अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग अंडा दाल बनाने जा रहे हैं। ये दाल मॉश है, इसको तकरीबन आधा घंटा मैंने पहले लेके भिगो दिया था। फिर अब इसको मैं वॉश कर रही हूँ। तकरीबन आधा घंटा इसको मैंने भिगोया तो ये अच्छी हो गई। अब इसको धो के फिर मैं ऐड करूँगी। इधर मैंने प्याज कट करके और टमाटो का पेस्ट बना के इसमें ऐड किया, और फिर मैंने इसमें नमक मिर्च और वो सब कुछ मसाला अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया था। तो ये इसको मैंने भुना, और अब मैं इसमें जो दाल मैंने धोई है, दाल माश, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, और अब दाल को ऐड करने के बाद इसको तकरीबन आधा घंटा पकाएंगे। जितना पकाएंगे उतना इसका टेस्ट बनेगा। मैं इसको आधे घंटे के लिए जो है वो पकाऊंगी। ये मैंने हरी मिर्च और अदरक काट के रख दी ऊपर गार्निश करने के लिए। अब मैंने अंडा दूसरी जगह बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने अंडों को बॉईल किया और फिर उसको मैंने कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया। और 5 मिनट के लिए अब अंडे को ऐड करके दम पर रख देंगे कि ये दाल का टेस्ट अंडे के अंदर चला जाए। अभी आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल छोड़ दिया है, इसलिए मैं इसके ऊपर हरी मिर्च और अदरक गार्निश कर रही हूँ। इस तरह से इसके ऊपर गार्निश कर देंगे, और पुदीना इसके ऊपर इस तरह से ही। अभी हम लोग इसको डिश आउट कर देंगे और आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सी दाल तैयार है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक।